नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई खबर लेकर आए हैं, एक यूनिक खबर लेकर आए हैं। आपको पता है कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाना है और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है हमेशा से हथकंडे अपनाते रहती है नए नए कि किसी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव बनाया जाए, किसी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों को घेरा जाए। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह अच्छी तरीके से जानती है कि पिछली बार जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह रहे थे विराट कोहली, कप्तान विराट कोहली, जिनके एग्रेशन की वजह से, जिनकी कप्तानी की वजह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की थी। लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस दौरे को लेकर बीसीसीआई ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। अभी तक भारत में कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से क्रिकेट पूरी तरीके से बंद है। ऑस्ट्रेलिया में अभी हालांकि पूरी तरह से क्रिकेट बंद है। ऑस्ट्रेलिया में पहले T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा भारत के साथ होने वाली सीरीज को लेकर एक्साइटेड है। इसलिए उसके खिलाड़ी अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। कभी डेविड वार्नर बयान देते हैं, कभी स्टीवन स्मिथ बयान देते हैं। तो हम आज इसी पर आपसे बात करेंगे कि कैसे, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइंड गेम अपना शुरू कर दिया है। सीरीज के शुरू होने से कम 3-4 महीने पहले ही माइंड गेम शुरू कर, अभी लगभग 6 महीने का वक्त है। नवंबर दिसंबर में टेस्ट सीरीज खेली जानी है और अभी जून चल रहा है और अभी से माइंड गेम ऑस्ट्रेलिया टीम ने खेलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं डेविड वार्नर की। जी हाँ, डेविड वार्नर ने कहा है कि विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर उनके तीनों तरह के फॉर्मेट के क्रिकेट को देखा जाए, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, तो ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल बाकी दुनिया के सभी बैट्समैन से एकदम अलग है और ये वर्ल्ड लेवल खिलाड़ी हैं और इनको रोकना और इनको इन पर पार पाड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होगी। और ये जो सीरीज होगी ये स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली के बीच होगी। स्टीवन स्मिथ किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, विराट कोहली किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम टीम गेम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम इंडिविजुअल गेम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये लड़ाई गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में होगी। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि सबसे ज़्यादा नज़र विराट कोहली और स्टीव स्मिथ पर रहेंगी। जिस तरीके से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से विराट कोहली भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो एक खिलाड़ी को घेरने की तैयारी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कर दी है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कर दी है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम माइंड गेम खेलती है, आपने पहले भी कई बार देखा होगा जब भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाती है या जब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आती है तो इस तरह के माइंड गेम शुरू हो जाते हैं। केवल डेविड वार्नर ने ही ये बात नहीं कही है, स्टीवन स्मिथ ने भी एक बहुत अजीब एक तरीके से माइंड प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है विराट कोहली के ऊपर। स्टीवन स्मिथ ने कहा कि विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। आपको बता दें कि विराट कोहली एक बार जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे, उन्होंने 4-4 शतक लगाए थे और जब भारतीय टीम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीत कर आई थी तो उसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे। अब की बार जब भारतीय टीम जाएगी तो ये दोनों खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जब भारतीय टीम टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आई थी तो डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ अपना सस्पेंशन झेल रहे थे, जो उन्होंने बॉल टेम्परिंग कार्ड में सस्पेंशन हुआ था उनका, वो सस्पेंशन झेल रहे थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ा वीक नजर आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया टीम भारत से हार गई थी। अब ये देखना बहुत बड़ा बहुत बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया टीम में वापस लौटाए और पिछले काफी जब से वो वापस लौटे हैं बहुत धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कि वो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ही नहीं, लंबू शाने भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में भारतीय टीम अपने पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा पाती है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर जाकर उनको हराया था, उनको पटखनी दी थी, बहुत बड़ा सपना था कप्तान विराट का, जिसके बाद से भारतीय टीम के लगातार कई सालों तक, लगभग दो साल तक टेस्ट में नंबर 1 टीम बनी रही। तो अभी फिलहाल भारतीय टीम नंबर 2 है टेस्ट में। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हरा देती है तो शायद दोबारा से नंबर 1 बन जाए। तो ये बहुत बड़ी सीरीज होगी देखने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को ये फैसला करना है कि वो T20 वर्ल्ड कप कराने में सक्षम है या नहीं है, किस तरीके के वहाँ हालात हैं, किस तरीके के वहाँ हालात नहीं हैं। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है, लगभग उनको 2-3 हज़ार करोड़ का घाटा इस वक्त हो चुका है। उन्होंने 80% के करीब स्टाफ हटा दिया है, उन्होंने अपने CEO को भी हटा दिया है, तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। और CEO नहीं, सिर्फ उन्होंने बल्लेबाजी कोच ग्रेम हिक को भी हटा दिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि बेशक T20 वर्ल्ड कप हो या ना हो, जिस तरीके की अंदर की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारतीय टीम पूरी तरह के फुल फ्लेज दौरे पर आए, जो शेड्यूल्ड टूर ऑस्ट्रेलिया का भारतीय टीम को करना है उस दौरे पर आए और ऑस्ट्रेलिया में आकर खेले। तो ये जो माइंड गेम है अभी, हालांकि इस माइंड गेम पर कप्तान विराट ने या भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली इन रिएक्शंस को लेता है, इन पर क्या रिएक्शन देता है और किस तरीके से विराट
अपनी बल्लेबाजी से ये बात साबित करते हैं कि वो वाकई में इस तरह के प्लेयर हैं या ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम काम कर जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दें, जब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम या कोई भी विपक्षी टीम विराट कोहली को छेड़ने की कोशिश करती है तो विराट और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम भी ये जानती है कि विराट को छेड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा, इसलिए बड़ा संभल संभल कर बयान दे रहे हैं, उनकी तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, उनको पॉइंट पॉइंट आउट करने के बजाय उनको तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, छींटाकशी करने के बजाय उनकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो स्टीवन स्मिथ हो चाहे वो डेविड वार्नर हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो, ऊपरी तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक माइंड गेम का तरीका है, एक प्रेशर बनाने का तरीका है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का। जिस तरीके से वो विपक्षी टीम आती है तो उसके खिलाफ इस तरीके से माइंड गेम करना शुरू कर देते हैं। तो हम और भी वीडियो आपको देंगे और भी आपके साथ चर्चा पर लगे रहेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लगातार हमारे ऊपर अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहिए और ज़रूर 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।